नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। में पूजा गढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिलहाई में मारपीट की शिकायत दर्ज कराने थाने जा रही महिला के ऊपर आरोपी ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, धारदार चाकू से महिला की नाक पर हमला कर दिया, जिससे उसके नाक और आंख में गंभीर चोटें पहुंची है। वहीं पीड़िता के साथ उसका बेटा और पति भी था, जो लहूलुहान हालत में महिला को लेकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां से संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। वहीं जानकारी के अनुसार सुनीता द्विवेदी, पति वीरेंद्र द्विवेदी, जिसकी उम्र 36 वर्ष बताई जा रही है, बिलहाई थाना गढ़ की रहने वाली है, जहां उनके साथ मारपीट कर उन पर जानलेवा हमला किया गया है। जानकारी के अनुसार महिला गांव में ही किराना की दुकान संचालित करती है, जहां उसका बेटा सचिन दुबे दुकान में बैठा था, जिसके साथ सामान उधारी ना देने पर गांव के ही सौरभ पिता ब्रजेंद्र बहादुर सिंह उर्फ बबलू सिंह मारपीट किए थे, जिसकी शिकायत थाने में दर्ज कराने युवक अपनी मां और पिता के साथ जा रहा था। तभी रास्ते में बिलहाई हनुमान मंदिर के पास आरोपी रास्ते में उन्हें रोक लिया और गाली गलौज करते हुए FIR दर्ज कराने से रोकने लगा। इस दौरान महिला के साथ युवक की कहासुनी हुई और युवक ने अपने पास रखे हुए धारदार चाकू से महिला के ऊपर हमला कर दिया। इस हमले से महिला के नाक और आंख में गंभीर चोटें पहुंची है, जिसे देखते ही महिला के बेटे और पति ने बीच बचाव किया तो आरोपी धमकी देते हुए वहां से भाग निकला। वहीं पीड़िता को परिजन गंगे स्वास्थ्य केंद्र देकर पहुंचे, जहां से बाद में उसे संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि मारपीट में महिला की आंख और नाक में गंभीर चोट पहुंची है। फिलहाल पुलिस महिला की शिकायत पर 294, 323, 324 और 506 की धाराओं के तहत अपराध को पंजीबद्ध किया है। अपना नाम बताइए। आपका नाम? सरिता दुबे। पति? विनोद दुबे। निवासी? बिलहाई। थाना? गढ़। हुई मेरा बालक एक छोटी सी दुकान धरे थे तो दारू किए, बोले कि मेरा श्री दे दो तो नहीं दिया है, इसलिए मेरे बालक को मारा। तो बालक गए तो बोला घर में कि मम्मी को मारा है। तब मैं आई तो बोली कि क्यों आप मारे हो, आप तो बड़े आदमी हैं। कौन मारे थे? सौरभ सिंह ने। तो हमारे भी मारे एक चक्कर और यहाँ लात मारे, तो मैं रिपोर्ट करने आ गई। जब रिपोर्ट करी तो रिपोर्ट कर यहाँ के बोले कि जाओ तो उधर रिपोर्ट तुम्हारी लिख गई है। मैं रिपोर्ट लिखा दी तो इसलिए मैं वहाँ जब पहुँची तो रास्ते में वो आपने अंकित दुबे और अरविंद दुबे कहाँ थे मिले दोनों? तो रास्ता में डंडा लिए खड़े थे। कहाँ पर? कौन से गांव में? बिलहाई में। हाँ। जहाँ मैं ऑटो से उतरी वहीं वो खड़े थे। तो बोले कि नारे किसके नाम रिपोर्ट कर रहे हैं? सौरभ सिंह ने बोला। तो मैंने बोली कि जिसके नाम रिपोर्ट की तो कल पता ही चल जाएगा। तो इसलिए वो ले गए अंकित और अंकित दुबे कि आपने घर के बगल में ये सब काट करा है। अंकित दुबे ने छुरा दिया। क्या किए? हे मारा मेरे मेरे बालक के घुटकी में मारता था, तो मैं बालक को पकड़ कर दूरी कर ली तो हमारे घुटकी में मार दिया। तो सौरभ ये कौन है, कहाँ के हैं जो मारने वाले? सौरभ सिंह है, कोल्हा के। इनके पिता का नाम क्या है? वीरेंद्र सिंह। घटना कई तारीख क्या है? 7 तारीख। घटना 7 तारीख की। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए विराट 24 न्यूज। नमस्कार। खुल गया, खुल गया, खुल गया। आपके शहर में सर्व सुविधा युक्त स्काई रेस्टोरेंट खुल गया। वेज नॉन वेज भोजन का लुत्फ उठाने के लिए अवश्य पधारें। हमारे यहाँ स्काई स्पेशल थाली के साथ जन्मदिन, तिलक, एंगेजमेंट, रिसेप्शन के लिए हॉल उपलब्ध है। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए संपर्क करें 9039033661 पर। पता याद रखें, स्काई रेस्टोरेंट, विश्वविद्यालय रोड, लोटस टावर, खुटे ही, रीवा।